के लिए कुछ नहीं। जब अजय नवी ने उस भिखारी का नहीं देखा तो भिखारी देखा कि भिखारी एक संदूक पर बैठा है, एक बक्से पर बैठा है। उसने पूछा भी कहीं इस बक्से में कभी खोल के देखा है क्या है? बोले ना जी मैंने तो नहीं देखा। बोले फिर तू देख एक बार। बोले ना इसमें कुछ भी कोने देखने की कोई बात तो कोने। बोले नहीं एक बार तू कोशिश तो कर। जब उसने देखा बक्सा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई, वो सोने से के सिक्कों से भरा पड़ा था। यू अजनबी कोई कोई कोना यू लेखक से और वो हम लोगों को संदेशा दे रहा है कि जिसके पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है वो कहता है तुम अपने भीतर देखो, बक्से के भीतर नहीं अपने भीतर, बल्कि उससे भी नजदीक जो थारे अंदर है। लेकिन मैं तो भिखारी नहीं हूं, ऐसी आवाज लिख के काना में पड़ी हम सब लोगों की तरफ से। हम सब ने कहा भाई हम तो भिखारी नहीं है। लेकिन लेखक ने बताया कि जो लोग अपनी असली दौलत को नहीं ढूंढ पाए हैं वे लोग भिखारी हैं, और उनके पास कितनी भी संसार की दौलत हो वे अमीर कदे भी नहीं हो सकते। असली दौलत है थारा भीतर का खजाना, अपने होने की खुशी का खजाना। लेकिन यह खुशी तब आवे है जब अपने आप को अपने होने को तुम जान लेते हो। और यह ना केवल वह चीज दे सकता है जो इस संसार में उपलब्ध है, बल्कि इससे कहीं अधिक और असीम दौलत दे सकता है। यह आपको अटल और गहरी शांति दे सकता है। लेकिन ये क्या है? ये शरीर मन बुद्धि के पार जाके आपके असली स्वभाव को जानना है। ये उस अथा और अविनाशी के साथ आपका एक होना है जिसकी था एक होना। आप अन्य सोचो वह सत्ता कि अभी वह किसी है, उसका तो था एक होना, वह तो अथा है, असीम है और अविनाशी, जिसका कदे भी नाश नहीं हो सकता। ऐसी सत्ता के साथ तुम्हारा एकाकार है, ये वास्तव में तम में हो। ये इस चीज को अगर तुम महसूस करने में असमर्थ हो तो तुम्हें अपने से अलग होने का भ्रम पैदा हो जाए। जो अलग होने का भ्रम पैदा हो जाए तो उससे तुम फिर अपने मकसद से दूर हो जाते हो। महात्मा बुद्ध ने भी जागरूकता की परिभाषा दी है और उसको कहा है कि भी एनलाइटनमेंट इज द एंड ऑफ सफरिंग, दुखों का अंत है। यानी महात्मा बुद्ध ने जागरूकता का अर्थ बताने के लिए एक नकारात्मक परिभाषा का प्रयोग किया। उसने कहा कि भी जागरूकता क्या नहीं है, कोई दुख नहीं है। जब कोई दुख नहीं है तो फिर पीछे क्या बचा? इस पर भगवान बुद्ध बिल्कुल चुप है। वो उन्हें कहे हैं कि भाई इस बात ने तो तुम जानो कि भाई इसके पीछे के रह जाए। तो इसका मतलब ये था कि वो हर आदमी ने ये समझाना चाहते थे कि भी मन जो है वो इस बात में ना उलझ जाए कि भाई ये तो सुपरमैन जो है, सुपर ह्यूमन हो है, उसी को प्राप्त करने जैसी एक उपलब्धि है, साधारण आदमी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन इस सावधानी के बावजूद भी बौद्ध धर्म के मोस्टली जो अनुयायी हैं उन वो आज भी इस बात में विश्वास कर रहे हैं कि जागरूकता बुद्ध के लिए संभव थी, हमारे लिए संभव नहीं है, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। तो आओ हम सब जानते हैं कि इस होने का अर्थ क्या है। इस होने का अर्थ है सदा सदा के लिए होना, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जो हमेशा मौजूद रहे है। और हमारे जीवन के पार जो असंख्य जीवन हम जी चुके हैं उनके पार, जो ये जीवन आपस में जन्म और मृत्यु से जुड़े हुए हैं, इनके पार जो है वही हमारा होना है। तो हरेक जीवन के भीतर तुम में कुछ ऐसा अदृश्य और अविनाशी हिस्सा से जो कि तुम्हारे होने को साबित कर रहे है। हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो विनाश भी नहीं होता। कितने जन्म हमने ले लिए, हम कितने दिनों से ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाए हैं। लेकिन जन्म तो पहले भी वो था, जन्म के बाद भी है और मृत्यु के बाद भी रहे हैं। तो ये यो वो भीतरी तत्व है जो हम जान सके हैं, कद जान सके हैं, जब हमारा मन शांत हो और हम वर्तमान में रहे। हम मन से इसको नहीं जान सकते, इसको होने को महसूस तो किया जा सके है लेकिन मानसिक रूप से समझा नहीं जा सकता। तो फिर महात्मा बुद्ध ने जो कहा उसका क्या अर्थ हुआ? दूसरे शब्दों में ये हुआ कि अपने होने के प्रति होशपूर्ण रहना और उस स्थिति में जीना ही वास्तविक जागरूकता है।
होशपूर्ण रहें और उसी स्थिति को हम कायम रखें, ये नहीं कि आज हम होशपूर्ण हैं दूसरे दिन दूसरे पल हम बेहोश हो जाएं, तो वो नहीं, लगातार इसमें जीना जागरूकता है। जब यह बात हुई तो ये प्रश्न उठा कि भाई होने को क्या आप परमात्मा शब्द से तुलना कर रहे हैं या क्या परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप कहते क्यों नहीं ऐसी बात। तो लेखक कहता है कि परमात्मा हो चाहे भगवान हो चाहे ईश्वर हो, इस शब्द का इतना दुरुपयोग हो चुका है कि भी वो अर्थहीन हो गया है। क्यों? क्योंकि जो लोग ईश्वर को जानते नहीं वह भी इस तरह की बात कर रहे हैं, इसे अटल विश्वास से बात कर रहे हैं कि भी इसके बारे में जानो हम सब कुछ जाना है, और जो इसके खिलाफ दलील दे हैं वह इसी बात कर रहे हैं जैसे वो जानते हों कि वो किसके ना होने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा एक क्लोज्ड कंसेप्ट बन गया, एक बंद विचार बन गया। यो हमने किसी आभास देवा है कि कोई सफेद दाढ़ी वाला बूढ़े की ऐसी मानसिक स्थिति के झलक का आभास देवा है जो तुमसे बाहर है और जो पुरुष होने जैसा है, आदमी होने जैसा है, औरत होने जैसा नहीं। तो ना परमात्मा, ना होना और ना ही और कोई शब्द इसकी सही व्याख्या कर सके। लेकिन होना शब्द जो है यो एक खुला विचार है, यो असीम को सीमाओं में नहीं बांधता, यो मानसिक रूप से भी हम इसको इसका रूप नहीं दे सकते, होने को हम मानसिक रूप या शारीरिक रूप नहीं दे सकते, ये केवल थारा अस्तित्व ही है जो तुम्हें अपने होने के रूप में महसूस करते हो। उस चीज को ये नहीं करता कि तुम्हारा नाम क्या है, मोहन है, श्याम है, सोहन है, ये तुम्हारा होना नहीं है क्या, या तुम कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अध्यापक हो, ये भी तुम्हारा पहचान नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व तो तुम्हारे होने से है। तो फिर होने के जानने में क्या क्या रुकावट से, इसमें हमने जो सबसे पहला दिखना है, जो दिखाई दिया है वो ये है कि मन के साथ हमने पहचान बना रखी है, और जब मन के साथ पहचान बना रखी है तो विचारों की उत्पत्ति होना अनिवार्य है। विचार होंगे तो विचारों को रोकने में हम कामयाब नहीं हो रहे तो हमें पीड़ा है, और उस पीड़ा, वो पीड़ा हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का एक अलग ना किया जाने वाला हिस्सा है जो भय और दुख को पैदा करता है। दार्शनिक डेसिक्रेट इस बारे में कहते हैं कि मैं सोचता हूं इसलिए हूं, यानी उन्होंने विश्वास दिलाया कि चूंकि मैं सोचता हूं और इसलिए हूं मैंने शायद सत्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन यहां पर उन्होंने मूलभूत गलती की है, क्या गलती करी है कि उन्होंने होने और सोच में समानता कर दी, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का मन संसार में लगभग समस्याओं और संघर्षों के दौरान दो हिस्सों में बटा रहा है और वो द्वंद का शिकार बना रहता है। और इस प्रकार जो मन के साथ पहचान है वो विचारों की, लेबल की, आकृतियों की, निर्णयों की और विभिन्न परिभाषाओं की एक ऐसी पर्दे की दीवार खड़ी कर दे है जो हमारे सच्चे संबंधों में रुकावट डालती है। जोकर यो पर्दा थारे और थारे साथी के बीच में भी खड़ा हो जाए, ये तुम्हारे और प्रकृति के बीच में भी खड़ा हो जाए, थारे और परमात्मा के बीच में भी आ जाए, तो ये पर्दा तुम और तुम्हारे अलावा दूसरा भी है, फिर तुम इस बात को भूल जाते हो कि शरीर से अलग होना तुम्हारा क्या है। जबकि दूसरी तरफ जागरूकता क्या है, पूर्णता की स्थिति है, एक होने की स्थिति है, किसमें, प्रकट रूप में भी और अप्रकट रूप में। प्रकट रूप क्या है कि जो प्रकृति है, संसार है, इसमें जीवन के साथ एक होना, अप्रकट रूप अपने भीतरी तत्व के साथ एक होना। तो हम कह सकते हैं कि भी जागरूकता न केवल दुखों का, बाहरी और भीतर के संघर्ष का, बल्कि लगातार चलने वाले विचारों की गुलामी का भी अंत है। अगर हम मन का सही उपयोग करें तो यह उपयोगी उपकरण है, अगर इसका गलत तरीके से प्रयोग करें तो ये बड़ा विनाशकारी से दोष का है। कैसे, इसका मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ कि मान लो हम एक पहेली हल कर लें या हम एटम बम बना लें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मन का प्रयोग कर रहे हैं। कुत्ता जो होता है वो हड्डी को चूसता है और उसको हड्डी में चूसने में बड़ा आनंद आता है, इसी तरह से जो ये मन है ये कुत्ते जैसा है, इसने सारी आने मन के न समस्याओं में घुसे रहने में हमेशा आनंद आवा है, तो इससे हमारा इन दोनों बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी तो इस बात में है कि क्या हम इन विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। इन विचारों से छुटकारा हम नहीं पा सकते क्योंकि मन हमारा इस्तेमाल कर रहा है
और हमारी इजाजत के बगैर इसने हमारे ऊपर नियंत्रण कर रखा है, गुलाम बना रखा है, और इस नियंत्रण को ही हमने अपना होना मान लिया है। तो फिर हमारी बात आती है कि क्या फिर इस मन से छुटकारा संभव है? हाँ, इससे संभव है, क्योंकि अगर तुम ये जान लो, ये महसूस कर लो कि कोई तुम कोई मलकियत या इकाई नहीं हो जिस पर नियंत्रण किया जा सके, और तुम विचारक या सोचने वाले को देखने में सक्षम हो जाते हो, तो तुम्हारे अंदर एक उच्च स्तर की चेतना एक्टिव होनी शुरू हो जाए, सक्रिय होनी शुरू हो जाए, और तुम्हें पता चलता है कि विचार के पार भी, मन के पार भी ज्ञान का एक विशाल भंडार है। और ये भी महसूस करना शुरू कर दोगे कि जो चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, वह मन के पार जाने पर ही पैदा होती हैं, जैसे खूबसूरती है, प्रेम है, खुशी है, आंतरिक शक्ति है, रचनात्मकता है। तो इस दिशा में बढ़न खातर हमें क्या करना है? मन से छुटकारा पाने के लिए हमें पहला कदम है कि जो हमारे सिर में होने वाली आवाजें हैं, उनको जितना जल्दी हो हम सुनना शुरू करें। तुमने पागल व्यक्ति देखा होगा, पागल मानस की एक रह, सारी आना बोले जा, बड़बड़ाए जा, अकेले में भी, बाहर भी ऊंची ऊंची बोले जा। तो जो आप और हम हैं, हम कोई पागल आदमी से अलग नहीं है, हम भी अंदर बड़बड़ाए जा हैं, बोले जा हैं, बेचारा मैं लीन रह में है, लेकिन मारे में उसमें ये फर्क है कि वो ऊंचा बोल रहा है और हम धीरे बोल रहे हैं, किसी ने सुनता को नहीं मारा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमने इन आवाजों को सुनना शुरू करना पड़ेगा, फिर इनको, इनके साथ मिलना नहीं, इनका साक्षी बनकर रहना है, इनसे दूर से देखना है इसको, और जब इन आवाजों हम सुनेंगे तो हमें निष्पक्ष भी रहना है, इनका जायजा नहीं लेना, कुछ भी सुने हम उस पर फैसला भी ना दे, ना ही उसकी निंदा करें। तो जब ये तुम विचार सुनोगे और इन चीजों को करोगे, तो आपको दो बातों का पता चलेगा कि यह केवल एक विचार नहीं है जिसको सुनते हो, बल्कि उस विचार को सुनने वाले साक्षी के रूप में भी तुम विद्यमान हो, यानी तुम्हें अपने होने का होश भी है। ऐसी अवस्था में विचार कमजोर पड़ जाता है और वो अपना नियंत्रण थारे ऊपर खो दे, विचार मिट जाए है या कम हो जाए है, और जो मानसिक प्रवाह है, जो विचारों का क्रम चल रहा है थारा, उसमें एक गैप आ जाए, एक अंतराल आ जाए, जिसे हम कहते हैं नो माइंड या अमन की स्थिति। इसके साथ ही हमने देखना है कि थिंकर को देखने की बजाय दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अपने दिमाग का ध्यान वर्तमान में केंद्रित करके भी विचारों के प्रभाव में हम एक गैप, एक अंतराल पैदा कर सकें। ऐसा करने से चेतना को मन की गतिविधि से हम दूर ले जा सकते हैं। इस अमन की स्थिति में हम सतर्क और जागरूक भी हो जाए हैं और विचारों में नहीं गिरते। जब विचारों में भी नहीं गिरते और अमन की स्थिति हो जाती है, तो यो है ध्यान का निचोड़ है, यो है ध्यान का एसेंस है। जैसे कि ओशो ने भी कहा है कि परमात्मा का एक ही समय है वर्तमान, और तुम्हारा वर्तमान छोड़कर सब है, अतीत भी थारा, भविष्य भी थारा, पर वर्तमान भर तुम्हारा नहीं है। तो वर्तमान में हो जाना ही ध्यान है, ओशो ने भी इस बात को कहा है, और ये सही है कि जब हमारे विचार रुक जाते हैं, अमन की स्थिति हो जाती है, सतर्क और जागरूक होते हैं, विचारों में नहीं घिरते, तो हम ध्यान की स्थिति में होते। तो फिर इस स्थिति में हम आवे क्यों कर, इस तक पहुंचे क्यों कर, इसके कई तरीके हैं। इसमें हम रोज अभ्यास करना पड़ेगा हमने। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने घर में सीढ़ियां उतरते चढ़ते हो, उतरते चढ़ते वक्त आप अपने कदमों का ध्यान रखो, अपने सांस पर ध्यान रखो, अपने हाथों की गतिविधियों को रखो, इस प्रकार आप वर्तमान में रह सकोगे और विचार आपको नहीं लपेट पाएंगे। इसी तरह जैसे आजकल कोरोना में एक नियम है कि भाई हमें कम से कम 20 सेकंड हाथ धोने हैं, कहीं भी जाते हैं बाहर या किसी चीज को छूते हैं, तो जब हम अपने हाथ धोएं तो इस क्रिया में भी अपना ध्यान रखें। पानी की आवाज किसी है, उसका फील किसा है, हाथों की गतिविधि के है, साबुन की खुशबू किसी है, इन सब का भी ध्यान रखें, तो हम वर्तमान में रह सकते हैं, अमन की स्थिति में रह सकते हैं। कार में बैठे हम अपनी में, तो बैठने के बाद कुछ क्षण हम
शांति से बैठ के अपने सांसों को देखना शुरू कर दें, तो हमें अपनी जो चुप निशब्द और शक्तिशाली मौजूदगी की भावना है उसके प्रति हम जागरूक हो जाएंगे। और इस अभ्यास में हम कितने सफल हैं इसका पैमाना एक ही है कि हमारे भीतर कितनी शांति आई, कितने हम शांत हुए हैं। तो अगर वह शांति आप माप लेते हो कि हमारी शांति बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब आपका अभ्यास सही चल रहा है। तो फिर क्या करना है, अगला हमने जागरूकता की यात्रा में सफल होने के लिए मन की पहचान को समाप्त करना सीखना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इससे फिर विचारों के प्रवाह में अंतराल पैदा होगा, चेतना की रोशनी बलशाली होती जाएगी, मन की हरकतों पर हम इस तरह से हंसेंगे जुकर बच्चों की हरकतों पर जाएंगे, और इनको गंभीरता से नहीं लेंगे जुकर हम बालकों की बातों कति गंभीरता से नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये होया कि यो जो दिमाग है या मन है यो एक यंत्र है, और यंत्र का यूज करके एक तरफ रख दिया करना जब हमने किसी चीज की जरूरत हो। मान लो हमने पिस्तौल की जरूरत है, गोली चला के अरे उसने पिस्तौल में अलग रख दे, ये नहीं कि उसके साथ खेलने जा रहे उसी के साथ रहे, वो अपने भी लग सके। तो इसी तरह दिमाग एक यंत्र है, इसका यूज करके हमें अलग रख देना चाहिए। लेकिन हम देखने में आया है कि 80-90% लोग बेकार नकारात्मक गलत चीजें सोचते रहते हैं, उनका मन उन चीजों से भरा रहता है जो कि उनको बहुत नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यो सोचना हमारी वाइटल एनर्जी में लीकेज साबित होगा, जो हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा में रिसाव का काम करे। जैसे आप देखते नहीं कई बार हमारे कुछ मित्र या दोस्त या हमारे परिवार के सदस्य कहते हैं आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं करा फिर भी कति थक गया, तो उसका कारण क्या है कि वो विचारों में पड़ा रहा और बेचारा ने उसकी सारी जो शक्ति थी जो एनर्जी थी सारी सोख ली। तो फिर ये जो सोचने का नशा है इसके आदमी हम क्यों बन गए, इस सोचने के नशे के आदमी हम क्यों बन गए? क्योंकि हमने सोच से अपनी पहचान बना ली है, हमने जो हमारा होना है उसको मन की गतिविधि और मन की सामग्री मान लिया है, हमने विश्वास करना शुरू कर दिया कि यदि सोचना बंद कर दिया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तुम कौन हो ये एक हमने तस्वीर बना ली है, किस आधार पर तस्वीर बना ली, अपनी पर्सनल और कल्चरल कंडीशनिंग के आधार पर, जहां हम जन्मे हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारे स्कूल है, जो हमारा समाज है, वहां से जो हमने संस्कार मिले उसके आधार पर हमने अपनी एक तस्वीर बना ली है। और ये फर्जी व्यक्तित्व अहंकार या घमंड की निशानी है, ये मन की एक क्रिया है जो लगातार सोचने से जारी रहती है। और जो असली बात है कि जब इस अहंकार में रहे हैं, इस घमंड में रहे हैं, तो वहां वर्तमान की स्थिति शायद ही वो है, और वर्तमान की स्थिति नहीं होती तो आपको अशांत होना निश्चित। तो मन से अगर छुटकारा पाना है तो उसकी चाबी वर्तमान क्षण में निहित है। इसमें मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ कि भाई अगर वर्तमान में रहना है तो आप बिल्कुल हल्के रहते। जब मैं प्रिंसिपल थी तो सुबह जब मैं ऑफिस आती थी तो टू डू लिस्ट लेके आती थी, तो टू डू लिस्ट करते समय मैं इतनी लीन हो जाती थी उसमें कि शाम तक जब घर जाने का समय आता था तो मैं जब काम खत्म हो जाता तो मैं अपने आप को बहुत हल्का और फूल जैसा हल्का समझती थी और बहुत अच्छा लगता था। वो यही बात थी कि जब मन को सोचने की मौका नहीं मिलता था, मन को सोचने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, काम में इतनी तल्लीनता हो जाती थी, तो वर्तमान क्षण की जो एक ताजगी है वो मेरे पास रहती थी। तो वर्तमान क्षण को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आप को मन नहीं समझते। वर्तमान क्षण तब प्राप्त किया जा सके जब हम मन से दूर रहें। ठीक है, सोच का तोहफा एक कीमती उपहार है और हमें पशुओं की प्रजाति से अलग करता है। जागरूकता का अर्थ है कि विचार से ऊपर उठना, नीचे नहीं गिरना, क्योंकि नीचे गिरने का मतलब है पौधे और पशु के स्तर पर आ जाना। जागरूकता की स्थिति में भी हम सोचते हैं लेकिन हम आवश्यकता के अनुसार सोचते हैं, जब हमारा जी करे है, जब हमारा मन करे है, जब हम सोचते हैं, जब हम चाहे हैं, जब हम किसी व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं, और प्रभावी और ध्यान केंद्रित तरीके के कारण जब हम इसने करे हैं तो अनचाहे भीतरी वार्तालाप से हम मुक्त रहते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि जब मैं काम करती तो उसमें काम में ध्यान केंद्रित होकर जब काम
तो हम इस भीतरी वार्तालाप से जो हम जिसको हम बुलाते नहीं अपने आप चले आवा है यो, इससे मुक्त रहते हैं और शीतलता का अनुभव होता है, अमन की एक स्थिति आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम रचनात्मक समाधान कोई करना चाहते हैं तो मन का प्रयोग करते हैं तो हर क्षण हर पल विचार व शांति और मन और अमन की स्थिति में हम डोलते रहते हैं। अमन क्या है? अमन है विचार रहित चेतना, और रचनात्मकता केवल इसी स्थिति में संभव है, क्योंकि सारे कलाकार अमन और भीतरी स्थिरता की स्थिति में कुछ ना कुछ सृजन कर रहे हैं। मन फिर बाद में उस आवेग और अंतर्दृष्टि में आकार देवा है। कई अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपने खोज के बारे में बताया कि जब हम खोज का काम कर रहे थे तो उस समय हमारी जो हमें सफलताएं मिली उसका उद्गम मानसिक वैराग्य रहा, मन की जो गतिविधियां थी वो एब्सेंस रही, वो दूर रही। इसी तरह से गणितज्ञों ने, आइंस्टाइन ने भी ये कहा कि हम जब अपना काम करते हैं तो सोच की भूमिका एक अधीनस्थ भूमिका रही, सबॉर्डिनेट भूमिका रही, इसलिए वो अपना काम कर सके। कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर जीवन का होना, तुम्हारा होना, इस प्रक्रिया का निरंतर घटते रहना किसी मन या सोच का परिणाम नहीं है। इस कार्य के पीछे स्पष्ट रूप से एक बुद्धि है जो मन से बहुत बड़ी है और इसके ये इतने बड़े बड़े काम कर रहा है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटी सी मानव कोशिका होती है जो 1 इंच का 1/1000 हिस्सा के बराबर है, लेकिन वो आदमी की डीएनए की उस इंस्ट्रक्शंस को, उन जारी जानकारियों को अपने अंदर संभाल लेती है, उसके अंदर रखी जा सकती है, जो कि 600 पेज की एक किताब जैसी 1000 किताबों में वो उस जानकारी आएगी, समाएगी, आ सकती है। तो ये जो ऐसे ऐसे काम हैं ये एक ऐसी बुद्धि के हैं जो मन से बहुत बड़ी। तो विचारों के साथ साथ भावनाओं का भी एक रूप हमारे साथ है। जब शरीर और मन मिलते हैं तो वहां भावनाएं उत्पन्न होंगी। आपकी जितनी ज्यादा पहचान अपनी सोच, पसंद, नापसंद और व्याख्याओं से बढ़ती है तो भावनाओं की वृद्धि में मजबूती होती चली जाती है। इसका अर्थ हुआ कि आपकी चेतना साक्षी के रूप में कम विद्यमान है, कम मौजूद है, उसका ज्यादा ध्यान हमारा भावनाओं के साथ है, भावनाओं का बढ़ना जारी है। तो हमें शरीर के अंदर भावना को देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए। इवताई हम अपने मन की गतिविधियों को तो देख सक रहे हैं और विचारों की तरह जागरूकता के दायरे में भी लाने में सक्षम हैं, लेकिन जो अमन की, अचेतन मन की गतिविधियां हैं उनको हम जागरूकता के दायरे में लाने में अभी हम सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भावनाओं को अलग से देखते ही नहीं। भावना को भी हम अगर विचार की तरह देखें तो हम इस पर विजय पा सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि विचार हमारे दिमाग में हुए हैं और भावनाएं हमें अपने शरीर में महसूस होंगे। तो तुम जब इसको देखोगे तो तुम ये महसूस करोगे कि तुम भावना नहीं हो बल्कि उसके देखने वाले साक्षी हो। और जब हम इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो सभी कुछ हमारे भीतर अचेतन में पड़ा है वह चेतना की रोशनी में बदलता जाएगा। इसलिए हमें भावनाओं का अवलोकन भी उतना ही जरूरी है जितना अवलोकन विचारों का। अक्सर हमारी सोच और भावना के बीच एक दुष्चक्र स्थापित हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को पोषित करती हैं, सपोर्ट करती हैं। क्यों कर रहे हैं? विचार भावना ने ऊर्जा दे है और बदले में विचार के तरीके को ऊर्जा देता रहता है और यही लेन देन चल जा है। तो भावना के लिए सबसे अच्छी शब्दावली है डर या दर्द, डर या दर्द। और मन का मुख्य काम है इस भावनात्मक दर्द को दूर करना, इसके साथ लड़ाई करना। पर यह कदे भी इसमें कामयाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यो इसकी जड़ में है। जैसे कोई पुलिस चीफ है, वो लुटेरे को ढूंढने जावा है और लुटेरा पुलिस चीफ खुद लुटेरा है तो किसने ढूंढेगा? यह मन की स्थिति है कि ये खुद दर्द पैदा कर रहे हैं फिर दर्द का समाधान करने का तमाशा कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस दर्द से जब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक अपने होने की समझ को हम अपने मन की पहचान के रूप में ले रहे हैं, इसलिए हमें इससे बचना होगा। तो
जो ये भावनाएं हैं ये नेगेटिव भी हों और पॉजिटिव भी हों, सकारात्मक भी और नकारात्मक। तो वो कहते हैं फिर सकारात्मक भावनाएं जैसे कि प्यार है, खुशी है, उनका के है, उनके लिए वो लिख कहते हैं कि ये तुम्हारे होने के साथ भीतरी संबंध की स्थिति से बिल्कुल अलग है। ये कभी विचारों के प्रवाह में जब अंतराल घटता है तभी प्रेम, खुशी या गहरी शांति के छोटे छोटे पलों की हमें झलक मिलती। जैसे उदाहरण के तौर पर मन बहुत खूबसूरत चीज को देख ले, बहुत खूबसूरत पहाड़ को देख ले, बहुत खूबसूरत नजारे को देख ले, या उसको बहुत ज्यादा थकान हो जाए, टूट जाए, अथक थकान हो जाए, या फिर बहुत बड़े खतरे की स्थिति में फंस जाए, जैसे एक्सीडेंट की स्थिति में आ जाए, तो वो निशब्द हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं रहते, बिल्कुल हैरान सा हो जाता है और भीतर सब कुछ ठहर जाता है। उस स्थिरता में गहन खुशी, प्यार और शांति घटती है। लेकिन ये भावनाएं भी नहीं है, अगर हम इन अनुकाय की भावनाएं हैं, बल्कि भावनाओं के बहुत नीचे के गहरे तल है। इसलिए भावनाओं का जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम जाने कि इनके नीचे क्या है, हमें भावनाओं को महसूस करना पड़ेगा। इमोशंस क्या है, इमोशंस का क्या अर्थ है? इमोशंस का अर्थ है अशांति, डिस्टर्बेंस। लेटिन भाषा के इमोवेर शब्द का से इसको लिया गया है और इसका अर्थ है परेशान करना। इसलिए प्रेम, शांति और जो जॉय है वो बींग के भाग हैं, बींग के तीन पहलू हैं और इनका कोई विपरीत नहीं है, अपोजिट नहीं है, क्योंकि ये मन के पार से पैदा हुई। दूसरी तरफ भावना जो है ये दोहरे मन का भाग होने के कारण इनका विपरीत होता है। जैसे बिना बुराई के अच्छाई नहीं हो सकती। बेहोशी और मन की पहचान की स्थिति को भी हम कभी कभी गलती से जॉय या खुशी मान लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर रहने वाला ही प्लेजर का एक साइन है। लगातार बदलने वाले दुख और सुख का दुष्चक्र है। प्लेजर बाहर से आता है और जॉय भीतर से आता है। प्लेजर पेन में भी बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रेम संबंध हैं, शुरुआत में बड़ा उत्साह होता है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन थोड़े दिनों में ही वो प्रेम और घृणा, आकर्षण और विकर्षण के बीच में डूलते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सच्चा प्रेम कभी दुख का कारण नहीं बनता। भगवान बुद्ध इसलिए कहते हैं कि दर्द और पीड़ा चाह और तृष्णा से पैदा होते हैं। दर्द से छुटकारा पाना है तो अरमानों के बंधन काटने होंगे। जब तक हम अपने को मन मानकर ये तृष्णाएं पैदा करते रहते हैं, चाहे वो जागरूकता प्राप्त करने की हो, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने की हो, ये फिर भी तृष्णा ही मानी जाएगी और ये दर्द का कारण जरूर बनेगी। लेकिन फिर बुद्ध इसका हल भी बताते हैं, कहते हैं कि इच्छाओं से मुक्त होने की या एनलाइटन होने की मत सोचो। आप क्या सोचो? आप सोचो कि तुम वर्तमान में ही हो जाओ, मन को देखने वाले दृष्टा ही हो जाओ। बुद्ध की बात करने की बजाय बुद्ध ही हो जाओ, जागृत हो जाओ, तो तभी तुम इच्छाओं से मुक्त अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे और दर्द से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन मनुष्य ने जब से अनुग्रह ग्रेस की स्थिति से समय और मन के क्षेत्र में प्रवेश किया है, अपने होने की जागरूकता को खो दिया है, तब से वह दर्द की चपेट में युगों युगों तक फंस गया है। इस बिंदु पर मनुष्यों ने अपने आप को एक विजातीय ग्रह पर, जो हमारा अर्थ प्लेनेट है, उस पर अपने आप को एक एलियन समझकर अर्थहीन भाग मान लिया है। मानस ने सोचे हैं कि ना तो हम अपने मूल से जुड़े, ना ही हम आपस में जुड़े हुए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इस द्वंद में फंस रहा है। जब तक आपकी पहचान आपके मन से है, तब तक दर्द का होना अपरिहार्य है। इसको हम उलट नहीं सकते, ये तो अपना भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पर इस दर्द से मेरा मतलब है भावनात्मक दर्द, जो कि शारीरिक दर्द और शारीरिक बीमारी का भी कारण बना है। चिड़चिड़ापन हो, नफरत हो, आत्मदया हो, गुस्सा हो, चाहे निराशा हो, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी खीज है तो वो भी दर्द का ही रूप है। तो हमें जानना है कि हर सुख का भाव अपने भीतर दर्द का एक बीज लिए होता है और इसका अविभाज्य भागना किया जाने वाला विपरीत भी समय आने पर सामने आता है। सुख होगा तो उसका दुख भी आएगा। इसका उदाहरण हम इस चीज से ले सकते हैं कि जो
ड्रग ले हैं, नशा कर हैं जो लोग, वो थोड़े देर की खुशी के लिए नशा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका जब नशा उतरा है वो फिर उसी स्थिति में, दर्द की स्थिति में आ जाए, तो सुख खुशी सुख में बदल जाए। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कई बार इतने तेजी से इतने घनिष्ठ संबंध लोगों के अंदर बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो खुशी दुख का कारण बन जाते हैं और वो संबंध खराब होते जाओ। अगर हम हायर पर्सपेक्टिव में देखें, उच्च परिपेक्ष में देखें, तो भावनाएं चाहे नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, दोनों ध्रुवीकरण, दोनों अपनी अपनी जगह एक सिक्के के दो पहलू, दोनों के भीतर ही दर्द का छिपा भाग है। और चेतना की अहंकारी अवस्था जो मन से पहचान रखती है उससे ये अलग नहीं है। अंत में मैं कहना चाहूंगी, जैसा लेखक ने कहा है कि हमारे दुख के दो स्तर हैं, एक दर्द जो तुम अब पैदा कर रहे हो मन से पहचान बनाकर, वर्तमान से दूर होकर आप जो अब दर्द पैदा कर रहे हो ये है तुम्हारे एक दुख का दर्द का सत्र, और दूसरा है पिछला दर्द जो अभी भी आपके मन और शरीर में रहता है, जो आपने पास्ट में पैदा किया है वो भी अपने साथ लिए चल रहे हो, उसको आप भूल नहीं रहे। तो इसका इलाज बताया है कि वर्तमान में हम दर्द को पैदा करना बंद कर दें, मन से पहचान को खत्म करें, वर्तमान में रहना शुरू करें और पुराने दर्द को डिसॉल्व करें। पुराने दर्द को डिसॉल्व तभी कर सकते हैं जब हम उस स्थिति से, विचारों की स्थिति से बाहर आएंगे और अपने आप को वर्तमान में हम अपनी जीवन शुरू करेंगे, तभी इससे हो सकते हैं। आगे इस दर्द को कैसे डिसॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे, डिटेल में लेखक अगले चैप्टर में इसका वर्णन करेंगे, तब आपके साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। रीता मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। धन्यवाद बलबीर को मैम जी, आपने बहुत ही थोड़े समय में और बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी दी हमें, इतना ज्ञान बढ़ाया जो छोटी छोटी बातें लगती थी और उनको किस तरह से पेश करना और अपना अनुभव साझा करना, अपना शिक्षा साझा करना, किस तरह हम मतलब एक भिखारी वाली कहानी सुना गए कि सब कुछ हमारे दोहरे है और फिर भी हम भिखारी बने बैठे, जिस तरह भिखारी सोने के बक्से बैठा था, तो जो जीवन का खजाना है उसके प्रति हम जागरूक न होकर भिखारी बन रहे, कितना बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और ये उससे अगली बात थी भी अज्ञानी लोग जिन्हें कुछ भी नहीं आता और वो भी भगवान के बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं, वो अपनी कल्पना के आधार पर भगवान ने बना के बैठ जाए। और दूसरा वर्तमान में किस तरह जिया जा सके है, वो तरीका आपने बहुत अच्छे से बताया। दूसरी बात एक और मैंने नई लगी और अच्छी लगी कि विचारा में भी ऊर्जा खर्च हो है। मतलब कई जैसे आपने बताया कुछ भी नहीं करते, पड़े पड़े भी थक जाए तो वो विचारा में भी ऊर्जा लगा दी उनने, तो इससे अच्छा तो उठकर काम कर ले, मेरा तो यही मानना है। तो ये चीज मेरे को नई लगी भी, मैंने अच्छी भी लगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगी। और दूसरी बात भी फर्जी व्यक्तित्व के कारण अहंकार उत्पन्न हुए हैं, मतलब जो हम बनावटी जीवन जी रहे हैं उसके कारण अहंकार, और वो अहंकार हमने वर्तमान से दूर ले जाए है, इसलिए भी उस फर्जी व्यक्तित्व में ना पड़े, ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। और दूसरा मैम, आपने एक जो कोशिका वाली बात बताई थी, एक छोटी सी कोशिका इतना ज्ञान भरा हुआ, उसमें 600 पेज की बुक लिखी जा सके है, मतलब किस तरह एक कोशिका माइक्रोचिप का काम कर रहा है, तो वो भी एक नया विषय लग गया। और मैम अपने मतलब दर्द से मुक्त होने का तरीका, अगर सारा कंक्लूजन में सारा निष्कर्ष निकाला जा तो एक बात थी कि भी अगर आपने दुख दर्द है, क्योंकि जहाँ सुख है वो सुख एक मिनट के लिए होगा, एक कुछ देर के लिए होगा, उसके पीछे दुख भी, जहाँ प्रेम की भावना है वहां फिर थोड़े दिन में नफरत भी आनी है, थोड़े दिन में उस प्रेम का दुख भी मिलना है, ये चीजें तो निश्चित है जो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दी। और दूसरा इन दुखा से दूर रहने खातर, इन दर्दा से दूर रहने खातर एक तरीका आपके शब्दों में निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि वर्तमान में जीवो, अपनी जो वर्तमान में, चाहे आप लैपटॉप के आगे बैठे हो या भी रोटी बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो है वर्तमान। तो इसलिए अपनी वर्तमान में अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने
सांसा पे ध्यान लगाओ कोई वर्तमान है, अगर हम वर्तमान में रहेंगे तो ध्यान सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। और हाँ सरिता, हाँ सरिता अगर कोई क्वेश्चन हो तो दर्शकों से श्रोताओं से इनवाइटेड हैं क्वेश्चंस, कोशिश करूंगी कि जवाब दे पाऊं। ठीक है मैम। मैम वैसे तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, ध्यान से सुना होगा, अब ध्यान में बैठे हैं जो लोग उनका तो सारी बात समझ में आ गई होगी। बाकी फिर भी किसी के मन में कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहे है तो आप सारे अनम्यूट हो, आप पूछ सको हो मैम से, आप बात कर सको। तो जो भी बलबीर मैम से क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, तो मैं उसे अनम्यूट कर देता हूँ। मैं माइक अनम्यूट खोल रहा हूँ, तो आप माइक को अनम्यूट भी कर सकते हो, तो जिसका भी क्वेश्चन है प्लीज एक एक करके अपना क्वेश्चन बलबीर मैम से रख सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, एक एक बात को इतना खोल के, इतना साधारण सी बातों से आपने समझा दिया हमें, तो एकदम सवालों की तो गुंजाइश ही नहीं रही। लेकिन फिर भी मैं एक बात दोहराना चाहूंगी कि आपने कहा कि सच्चा प्रेम कभी दुख नहीं देता है। हाँ, तो सच्चा प्रेम तो सिर्फ या तो वो ईश्वर कर सकता है हमारे से, या माँ ही कर सकती है, क्योंकि हमारी गलतियों पे आवरण डालने वाले माँ पिता ही होते हैं। अगर संतान से हमको मान लिया कोई शराबी है, लड़का दारू पी के आ जाता है, तो वो गेट बंद कर देंगे ताकि मेरे बच्चे की बुराइयां दूसरे ना देखें। तो इसके सिवा, माँ के सिवा सच्चा प्रेम कोई बिरला ही कर सकता है, या फिर भक्त कर सकता है, जैसे मीराबाई हुई है, उसने अपना सब कुछ छोड़ के और ये समाज सब कुछ भुला के और भगवान के प्रति वो आसक्त होगी। उसने सिर्फ ये देखा कि वो परमात्मा है और मैं एक आत्मा हूँ, तब तो प्रेम हो सकता है। जब तक हम सांसारिक चीजों को और उसका रुतबा, उसका ये समाज में क्या स्थिति है वो देखेंगे, तब तक प्रेम नहीं होता। तो सच्चा प्रेम बहुत ही मतलब बिरला होता है, ये मैं कहना चाहती हूँ आपसे, और पूछना चाहती हूँ क्या इसके सिवा भी कोई सच्चा प्रेम कर सकता है। विजेश मैडम, आपने जो प्रश्न कराया पूरा का पूरा इस समय प्रश्न है और इस समय जवाब है। आपने खुद कह दिया कि अभी माँ का जो प्रेम है वो निश्चल प्रेम है, और जो मीरा का प्रेम था वो सही प्रेम था जी। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि यू आर नॉट योर माइंड, तुम अपना मन नहीं हो, तुम मन से जो पहचान बना रहे हो, जो इस संसार में जीवन के साथ एक होना जरूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन हमें पुरुष के साथ भी जुड़ना है। ध्यान में जब हम जुड़ते हैं, आपने देखा होगा हम कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं, तो एक लगन उठते लग जाए कि रात में सोती आना नहीं हो, कदे आंख ना खुले हैं, और थोड़े बहुत भी लेट हो जाओ तो भाज बूझ के आप फटाफट बैठने की कोशिश करते हो। तो जो यह लगन है, भीतरी लगन, या इसकी बात कर रहे हैं सच्चे प्रेम की, इस दुनिया के प्रेम की नहीं। इस दुनिया की संसार की सारी चीजें तो नाशवान है, चाहे वो माँ का प्रेम है चाहे किसी और का है। माँ का प्रेम भी किस तरह से नाशवान है कि माँ जब करती है ठीक है बिल्कुल निश्चल होता है, लेकिन उसने कितने की तो उम्मीद हो है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी मेरे बच्चे मन कुछ ना कुछ करेंगे, या आस हमेशा जुड़ी रहे। लेकिन जो परमात्मा का प्रेम है उसमें कति आस नहीं जुड़ी रहती। उदाहरण के तौर पर देख लो, आप कोई भी एक उदाहरण बता दो कि भी परमात्मा ने किसी आदमी के साथ भेदभाव कराया हो, ऑक्सीजन दे है सबने दे है, धूप दे है सबने दे है, पानी दे है सबने दे है, जितनी चीजें हैं सारी उसकी जो नेचर ने प्रकृति जो दे रही है उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो यही प्रेम की निशानी है कि उसके सामने सब बराबर है। तो जो ये संसार का प्रेम है हम उसकी बात कर रहे हैं कि यो अस्थाई है जी, आत्मा और परमात्मा का प्रेम ही सत्य है सिर्फ। हाँ, या दुख का कारण है, लेकिन जब हम अपनी आत्मा से जुड़े, अपने होने के साथ जुड़ते हैं, हमारा होना क्या है, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना, वो क्या है जो कि अथा है, जिसका था एक होना,
हमने एक जन्म ले लिया, दो ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए, 100 ले लिए। कई कहें भाई जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने कहा कि भी मैंने तो अपने 100 जन्म देख लिए, 100 जन्म तक तो मैंने कोई पाप कौन कर रखा है, तो बोले 101 बार देख। तो जब वो कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारे जन्म तो है ना, महाजीवन की यात्रा तो है ना, जीवन के साथ साथ है और जीवन है। तो जो ये हमारी महाजीवन की यात्रा है, इसमें जो हमारा एक होना है, हमारी आत्मा के साथ होना है या हमारा अस्तित्व है, ये चलता रहता है। हम जन्म भी ले हुए हैं, जीवन भी जीवे हैं, संसार में भी रहे हैं, और फिर हमारी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन हमारा होना जारी रहे है। तो जो ये होना है, ये आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है। इसमें कदे कोई दुराव छिपाव नहीं है। वो आप उदाहरण के तौर पर जैसे अपन कर ली बात कि भाई चाहे हवा देनी हो, चाहे पानी देनी हो, चाहे ऑक्सीजन देनी हो, इन कोरोना का टाइम आ रहा है, ऑक्सीजन के लेने देने पड़ रहे हैं भाई, 5 लाख में इतने मिलने हैं, 10 लाख में इतने मिलने हैं। कदे परमात्मा अगर इसका हिसाब दे तो हम चाहे अपना बाल बाल भी उसको दे दें तो भी हम उससे उऋण नहीं हो सकते, इतना ज्यादा उसका ऋण। तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें जवाब था, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई सरिता जी, और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो स्वागत है। नमस्ते बलबीर मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। आज तो आपने काला कर दिया, आज तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था है। आप मतलब पता नहीं मैंने किसा था, पर मैंने कोशिश जरूर करी आपके कहने पे। जो पावर ऑफ नाउ है इकार्ट टोल का, वो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस चैप्टर को बताया, और ये एक ऐसी शक्ति है जो आपने मन के बारे में बताई ना, सही है कति, जिसमें आपने एक शब्द लिया था वाइटल एनर्जी। मैंने कहा भैया जो वाइटल एनर्जी है, वाइटल एनर्जी का मतलब हमारी ऊर्जा है। हाँ। या जो ऊर्जा है, या ऊर्जा हमने बिचारा में चाहे अच्छे विचार कर लो चाहे बुरे विचार कर लो, यस यस यस, इसको थोड़ा सा आप एक बार विस्तार से एक बार फिर से एक बार बता दीजिए। ठीक है, जो वाइटल एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं उसको, ये परमात्मा की ऊर्जा भी कह सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आप हमें जब सातों शरीर से वाकफियत हमारी कराते हो, उसके बाद आप कहते हैं भी चारों तरफ आप अपने आप के एक ऊर्जा का अनुभव करो। तो वो जो ऊर्जा है उसके कई रूप हैं, उसको आप कई तरह महसूस कर सको हो। जैसे आप कह रहे हो सारे स्पंदन देखो, सिर से लेकर माथा है, आंख है, नाक है, मुंह है, छाती है, हाथ है, पैर है, तो वो जो स्पंदन वो है, वो भी एक उस ऊर्जा का ही रूप है। कई बार हम बैठे होते हैं, अचानक ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर बारिश हो रही है, और आपका जी करता है कि भाई मैं इसके साथ एक हो जाऊं। जैसे परम गुरु ओशो बताते हैं कि भाई तुम्हें अपने आप को अवेलेबल कराना है, परमात्मा हर वक्त मौजूद है। तो जब भी तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्थिति होती है, ऐसी ऊर्जा आपके ऊपर लगता है बरसती है, वो शरीर के किसी भाग पर बरस सकती है, किसी अंग पर बरस सकती है, किसी जगह बरस सकती है, किसी समय बरस सकती है, आपको किचन में होते तो भी बरस सकती है, आप यात्रा कर रहे हो तब भी हो सकती है, आप खाना बना रहे हो तब भी हो सकती है। तो जब भी ये ऊर्जा का आना आपके पास महसूस हो, तो आपको सारे काम छोड़ के संसार के उसके साथ बैठ जाना चाहिए। तो ये जो ऊर्जा है, ये तब भी महसूस करते हैं जब हम विचारों में खो जाते हैं, और विचार हमें इतना निचोड़ देते हैं कि लगता है हमारे अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब जो वाइटल एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, उसमें इतनी ताकत है। और ये भी उदाहरण है उसका कि जो हम जीवन जी रहे हैं, उसके कारण हम इतना लंबा जीवन, इतना बढ़िया जीवन, इतना मजबूत शक्तिशाली जीवन जो हमारा जीते हैं, वही उदाहरण है। जिस दिन यह एनर्जी लिकट जाए, उस दिन यू कहें भी ना शरीर ने तड़ा दर्द हो, उसका नाम भी बदल जाए, न्यू कौन कहेंगे बलबीर कौर ने तड़ा दर्द हो, न्यू कभी इसने शरीर ने तड़ा दर्द हो। तो जो ये वाइटल एनर्जी है, यही सारी दुनिया की क्या प्रकृति को संभाले हुए है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको महसूस करना, इसके साथ रहना, इसको बचा के रखना, इसका ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्यों में, जैसे आप कह रहे अभी लोक कल्याण में हमें यूज करनी चाहिए। हम संसार में आके अपने कार्यों में लगे रहते हैं, जो दैनिक कार्य है या दूसरे पर्सनल कार्य है, तो हमें इसको बचा के लोक कल्याण के लिए भी लगाना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ।
बिल्कुल सही कहा मैम. 2012 में मैंने यह किताब पढ़ी थी. 2011 में मैं मेडिटेशन में आई थी. 2012 में मैंने यह जब किताब पढ़ी, किताब में इसका मैंने सबसे पहले इसकी बायोग्राफी पढ़ी कार्ट टोल की, कि भाई ये क्यों कर आया मेडिटेशन में, आखिर इसके इसके अंदर इसके के चीज थी जिस ताई इसने यह किताब लिखनी पड़ी पावर ऑफ नाउ. तो मैंने पढ़ा कि भैया यो घर में ना बहुत दुखी था. 29 साल की उम्र में उम्र ताई यो डिप्रेशन में रहा था. इसने बहुत परेशानी थी, क्यों घर में भी ना इसका मतलब सेटिंग थी और ना इसकी बाहर सेटिंग थी नौकरी में और ना इसकी घर में सेटिंग थी. तो इसने क्या करा, अभी अपने घर के बाहर एक पार्क था. इसकी बायोग्राफी मुझे थोड़ी सी याद है, मतलब जो इसकी बायोग्राफी पड़ी. तो घर के पार्क में चला गया, बोला मैंने ईब घर में घुसना ही कौन है. तो 2-3 दिन तक जिस तरह आदमी रूस के बैठ जाया करे बाहर, उस तरह यू बैठ गया. तो वाइटल एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं. इसने क्या करा, जितने भी विचार आया करते सारे विचार न्यू मतलब उल्टे सीधे विचार आया करते, तो उसमें इसकी ऊर्जा खर्च हो जाया करती. एक दिन इसने देखा, एक बेंच पे बैठ गया पार्क में. पार्क में बेंच पे बैठ के इसने चारों तरफ वह प्रकृति देखनी शुरू कर दी. इसने देखा, मैंने तो आज तक ये पत्ते ना देखे थे, मैंने आज तक ये फूल भी ना देखे थे. है तो उसने या ऊर्जा जो है अपनी ऊर्जा उसमें देखने तक ही लान लग गया. तो कुछ दिनों में इसने देखा कि मैं तो बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ. जैसे विजेश मैडम ने भी अपनी पूछा कि भैया प्रेम के चीज है. उसने देखा कि अरे मैं तो बहुत खुश हूँ इस प्रकृति ने देख के. तो उसने अपनी एक जिस तरह व्रत रखा कर इसने रख लिया कि भाई मैंने तो ये इस पार्क में आना, पार्क में आकर सारी चीजा ना मैं देखूंगा और इससे देखो मेरे माँ के फर्क पड़े है. वहां से इसने पावर ऑफ नाउ शुरू करा. अब भाई मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस वर्तमान क्षण में अगर मैं इतना खुश हूँ, तो अगर मैं हमेशा इस वर्तमान क्षण में रहूं तो मैं कितना खुश रह सकूं, कितना खुश रह सकूं. तो इसने कई साल अपने घर ते नौकरी भी छोड़ दी. इसने बोला मैं नौकरी नहीं करूंगा, पहला मैं इस चीज ना जानूंगा आखिर मेरे माँ ये जो दुख है, ये गिल्ट है, ये किस चीज का है. मैं अपने घर वाले ने राजी नहीं रख सकता, मैं ना अपनी नौकरी में राजी. तो इसने फिर एक्सपीरियंस करा, 2-3 साल जगह जगह ये गया और उसके बाद फिर इसने ये पावर ऑफ नाउ लिखी. अभी वर्तमान क्षण में यह जो ऊर्जा है हम बिना बात खर्च करे रहे हैं, जो अभी सरिता दया मैडम भी कहने लग रही थी हूँ पढ़े रहा हूँ हम बेरानी कितनी कितना टाइम बर्बाद कर दे हैं इन विचारों में. और यह वाइटल एनर्जी हम सही काम में करें, लोक कल्याण में करें. 24 घंटे हमारे दिमाग में नहीं चला भाई यो बढ़िया काम कर लो, यो कर लो, यो कर लो, मतलब पॉजिटिव. अब यह एक क्वांटम साइंस को है, तुमने पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस, ये ब्रेन के चीज है. ये तो आपने भी बताया कि एक साइड में रख दो जब तक इसका काम है, जब तक कर लो ना साइड में धरो इसने. यस यस यस. लेकिन आजकल क्या है कि साइंटिफिक मटेरियलिज्म न्यू कहा कि भाई तुमने साइंटिफिक मटेरियलिज्म न्यू कहा भाई यो थारे जो थारा प्यार है ना यो थारी चीजा तय है, प्रकृति तो है ही नहीं. तुम इन चीजा तो प्यार करोगे तो शायद राजी रहोगे, पर वो टेम्परेरी खुशी है, वह परमानेंट खुशी है कौन है. और इससे भी छक लिए लोग. जो जो आपने हमें नेचर के नजदीक कराया उसका मेरा एक्सपीरियंस यहाँ मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे आज मेरे ध्यान कराया तो इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि शरीर में ताकत नहीं थी कि मैं उठ लूं. आपकी तरफ से आ रहा था कि भाई आंख आंखें बाहर धर लो और खोल लो. मैं कहा ये क्यूकर धरा जा, क्यूकर खोलिया जा. फिर बाहर चिड़िया चिड़चिड़ करने लग गई. मैं कहा ओहो वह तो इंतजार कर रही है कि हमारा भोजन आना चाहिए. मैं ले दे के उठी, उन ता धरा. फिर पार्क में आम का पेड़ है और 2 आम के पेड़ हैं, 1 जामुन का पेड़ है. दोनों पेड़ों पर लाल मकोड़े चल रहे हैं और जामुन वाले पे काली चीटी चल रहे हैं. मैं कहा वो मेरा इंतजार कर रही होंगी और तू यहाँ तेरे से उठा नहीं जा रहा. भाई मैं तो संगीता उठ के और फटाफट गई उन सब ने देख आई, गिलहरियां ताई देख आई. मेरी थकान और वह एनर्जी पता नहीं कित गई. और वो फिर इतनी कंजर्व हो जाए दिमाग में कि वो सारा दिन रिसाव हो है और वो सारा दिन स्वाद दे है, सारा दिन मौज बनी रहे. और मेरे न्यू रहे अभी संगीता मैंने मिल जाए, मैं उसने यह बात बता दू या कह दू. मेरे चक्कर भी चलन लग गए, काफी चक्कर चलन लग गए.
तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू बलबीर मैम, बहुत बढ़िया कति आस्वाद सा आ गया, मतलब आज असली न्यू लगा है कि भाई मारा आस्वाद्याय मतलब हरियाणा का शुरू होया है तो कति चाड़ा सा पाट गया। कुछ ठीक ठीक बोली गई कि हिंदी बहुत बढ़िया अड़े थी। कोई नहीं, चलेंगे चलन लाग रहे हैं आगे। ठीक है ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सरिता मैम आप प्लीज। संगीता मैम जी, जब आप आए आपने देख कर चश्मा बहुत सुथरा लग रहा था आपका। 10 साल कम उम्र लग रही थी आपकी, लेकिन ये बिना चश्मे के बात करेंगे, थोड़ा 5 मिनट का आप ध्यान करवा दो ताकि हम भी वर्तमान में जी ले, हिंसा सा पर नियंत्रण कर ले। 5 मिनट का ध्यान करना चाहूंगी। चलो आंखें बंद कर लो, हाथ में हाथ रख लो, और फिर रंजन जी से हम कविता सुनेंगे 5 मिनट के बाद। ओके, आंख बंद कर लीजिए, और अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो उसी शक्ति को ध्यान में रखते हुए पूरे मजे से आनंद से आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लो और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। ये एनर्जी इतनी सूक्ष्म है कि पूरे रोम रोम में से जाती है, सिर्फ नाक से नहीं जाती, रोम रोम से जाती है। आंखें बंद, चश्मा उतार के एक तरफ रख लेंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। मजे से सूफी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने अंदर से फकीर फकीरी, और अपने शरीर के स्पंदन, हार्ट बीट, लंग्स, पेट की मूवमेंट, जब भी हम ध्यान शुरू करें ऊपर से लेके नीचे तक अपने सारे स्पंदन देखने हैं। यही पहला हमारा सूत्र है ताकि हम अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक आ जाएं, बाहर की सारे चक्कर छोड़ दें और अपने शरीर के नजदीक आके देखें कहीं झुर्रियां तो नहीं पड़ी हुई चेहरे पर। ये झुर्रियां खत्म करनी है, जहां पे झुर्रियां हैं इसका मतलब चेतनता कम है, तो हम उस चेतनता को जगाने के लिए ही ध्यान करते हैं। आंखें बंद और अपने शरीर के होने वाले स्पंदनों को धीरे धीरे देखते रहेंगे। चेहरे पर मेरी आंखों की जो बॉल्स हैं वो हिल रही हैं, नाक से सांस आ रहा है, मेरा चेहरा वाइब्रेट कर रहा है, गला, मेरा हार्ट, लंग्स, पेट, जैसे जैसे मैं सांस भर रहा हूँ तो मेरा पेट के अंदर गति हो रही है, और मेरे हाथ और पैर, इनकी जो उंगलियां हैं इसमें भी स्पंदन हो रहा है। अब हम अपने सांसों पर आ जाएंगे कि मेरी सांस आ रही है और जा रही है, और ये प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति जो हमें जन्म और मृत्यु के बीच का खेल खिलाती है, यही वाइटल एनर्जी है जो इकार्ट टोल ने बोला कि हमें अपनी उस शक्ति का निरीक्षण करना चाहिए कि हम अपने विचारों से हट के अपनी प्राण शक्ति में डूब जाएं, उसके प्रति जागरूक रहें, बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, अपने आप में ही फकीरी, अपने आप में ही एक मस्ताना बन जाना, क्योंकि बाहर कोई दूसरा है ही नहीं। मस्तानी जो शक्ति है हमारी, इकार्ट टोल 29 साल की उम्र में एनलाइटेंड हो गए थे, 3-4 साल बाहर रहने के बाद उन्होंने देखा कि जीवन में बाहर जहां मैं भटक रहा था, जैसे मेरी सारी शरीर की ऊर्जा खत्म होके मैं डिप्रेशन में आ गया, जैसे ही वो अपने अंदर आए और एनलाइटेंड हुए तो दुनिया के लिए काम करने लगे,
सेम इसी तरीके से हम भी अपनी ऊर्जा को बाहर ना खोकर अपने सांसों के साथ रहते हुए लोक कल्याण के लिए काम करें। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, यही सांस, यही प्राण शक्ति हर किसी जीवात्मा में है, जो कुछ दिनों के लिए है, कुछ घंटों के लिए है, कुछ सालों के लिए है। हर जीवात्मा में यही प्राण शक्ति है, जो छोटे से छोटा अनुभव लेके फिर से नया स्वरूप बदलती है और फिर से ये प्राण शक्ति उसको नया जीवन देती है। हम यहाँ पर परमात्मा के रूप में इस धरती पर आए हैं। हमारे अंदर अनंत अनंत ऊर्जा है, हम अपने उस साधारण स्वरूप से हटकर उस नर से नारायण बन रहे हैं, आकार से निराकार की तरफ जा रहे हैं। शब्दों के जाल से हटकर उस अनंत नाद में अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। देह से देही बन रहे हैं, छोटे से स्वरूप से विशाल स्वरूप बन रहे हैं, एक छोटी सी आत्मा से परमात्मा बन रहे हैं। महाशून्यता, महाशांति, ये 10 दिन जो हमारी प्राण शक्ति को नया बनाती है, ब्रह्मांड में बदलाव आता है, इसी तरीके से हमारे शरीर में भी बदलाव आता है। कोई उदासी नहीं, फकीरी, मस्त अपने अंदर। ये फकीरी हमारा आत्मा का गुण है और इसी गुण को हमें पाना है, चारों तरफ सभी को स्वीकार करते हुए अपने आप में फकीर बन जाना। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, हाँ मैं अपने नजदीक हूं, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, पर ये ऐसा प्रेम है जो हर किसी व्यक्ति के लिए जरूरी है। आखिरी 1 मिनट, प्रेम वो शक्ति है जो तुम दूसरों को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो, कोई भी हो, दूसरे की खुशी तुम्हें अपनी खुशी लगती है, यही प्रेम है। जिसमें तुम ईश्वर के गुण अपने भीतर भर लेते हो, आखिरी 10 सेकेंड, सांस ही मेरा गुरु है,
दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक शून्य। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। तो फकीरी उनका तो सब नए जी रहे हैं, फकीरी के बगैर बात नहीं बनेगी। सारा कुछ है अपने द्वारा, फकीरी है तो कोना है। Yes. पानी है, अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं, सब के में तो है, या फकीरी कोने आती बस, या ऐसी खंडता ही हम चाल लाग रहे हैं आगे है। तो थैंक यू सरिता मैम, आप आगे परसू करिए प्लीज, रंजन जी को इनवाइट करिए। मैम आपने जब ध्यान करा है तो बहुत शांति मिले, भले ही वो 5 मिनट का था लेकिन सारे दिन की थकान दूर हो जाए। और मेरा मानना है कि भी जब हमारा ध्यान लग गया है, जब किसी रचना की कोई रचना बने है, और रंजन जी ने भी अपना पूरा ध्यान लगा कर आज की रचना तैयार कर रखी है। और रंजन जी हम अपनी आपके साथ आपकी रचना पर हम भी अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, आप मेन स्क्रीन पर आओ और अपनी रचना प्रस्तुत करो रंजन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा आज सारगर्भित वक्तव्य सुनने को मिला आदरणीय बलबीर कौर जी के माध्यम से। उन्होंने मन की उपादायता, उसकी सार्वभौमिकता पर एक बड़ा ही सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उसमें आदरणीय संगीता जी की और सरिता जी की समीक्षात्मक जो उद्बोधन रहा वो भी श्लाघनीय रहा है, इसलिए आप सभी को बधाई और साधुवाद। अभी प्रेम की बात चल रही थी, मन की बात चल रही थी, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने लौकिक प्रेम को जो लौकिक और लौकिक के बीच मिश्रित भाव प्रस्तुत करेगा, एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। उससे पहले चार पंक्तियां कि प्रेम के रंग से मन को रंग लो प्रिय, प्रेम के रंग से मन को रंग लो प्रिय, रंग तन पे अधिक देर टिकता नहीं, और प्रेम के रंग की बात ही और है, प्रेम के रंग की बात ही और है, ये कहीं भी बाजारों में बिकता नहीं, प्रेम के रंग से मन को रंग लो प्रिय। गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, समर्पित है किसी प्रेमी को, प्रेमिका को, या अपने इष्ट ईश्वर को, जैसी जिसकी भावना वैसे समझ ले। कि देख कर तुमको हंसते फूल और कलियां मुस्काती हैं, तुम्हारा नाम क्या है। देख कर तुमको हंसते फूल और कलियां मुस्काती हैं, लताएं झूम झूम कर अभिनंदन के गीत सुनाती हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा उजला उजला रूप लगे पूनम की रात कोई, तुम्हारा उजला उजला रूप लगे पूनम की रात कोई, बसी चंचल चितवन में हो जैसे स्वप्निल सौगात कोई, तुम्हारा उजला उजला रूप लगे पूनम की रात कोई, बसी चंचल चितवन में हो जैसे स्वर्णिम सौगात कोई, चांद की किरणें भी दो बातें करने को सच, चांद की किरणें भी
दो बातें करने को सकुचाती है, तुम्हारा नाम क्या है, देख कर तुमको हंसते फूल और कलियां मुस्काती हैं, लताएं झूम झूम कर अभिनंदन के गीत सुनाती हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। और गीत का बंद कि तुम्हारी बोली का अभ्यास कुहक कर करती कोयलिया, तुम्हारी बोली का अभ्यास कुहक कर करती कोयलिया, खनक वैभव का पाने हेतु छनकती हर दम पायलिया, तुम्हारी बोली का अभ्यास कुहक कर करती कोयलिया, खनक वैभव का पाने हेतु छनकती हर दम पायलिया, विफलता लेकिन अपनी देख तड़पती है पछताती है, तुम्हारा नाम क्या है, देख कर तुमको हंसते फूल और कलियां मुस्काती है, लताएं झूम झूम कर अभिनंदन के गीत सुनाती है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। और गीत का अंतिम बंद अंतिम पंक्तियां कि चाहता है मेरा भी हृदय बनाना तुमको अपना मीत, चाहता है मेरा भी हृदय बनाना तुमको अपना मीत, निछावर करने को है विकल तुम्ही पर अपने सारे गीत, चाहता है मेरा भी हृदय बनाना तुमको अपना मीत, निछावर करने को है विकल तुम्ही पर अपने सारे गीत, मगर मन में मगर मन से उठ शंकाएं फिर अपना प्रश्न उठाती हैं, तुम्हारा नाम क्या है, देख कर तुमको हंसते फूल और कलियां मुस्काती हैं, लताएं झूम झूम कर अभिनंदन के गीत सुनाती हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब रंजन जी, बहुत खूब। आपने पूछा भी तुम्हारा नाम क्या है, देखो जो भी नाम है ये सारे फर्जी हैं, असली नाम तो पत्री सर जी बताएंगे जिसकी तलाश नाम संगीता में हम तो जुड़ रहे हैं, और उसके खातर स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय के खातर अपना कार्यक्रम चल रहा है, और कल स्वाध्याय का दूसरा दिन होगा, और हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती संतोष जी होंगी, और कल भी हम इसी समय जुड़ेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में संतोष जी को सुनेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैम, और विशेषकर बलबीर कौर मैम जी। थैंक यू, आज बहुत बढ़िया रहा हमारा फर्स्ट डे, बहुत बढ़िया था, और ये जो कविता है और साथ में हमारा जो स्वाध्याय है और जो सरिता मैडम होस्ट कर रही हैं, ये सब जो प्लेटफॉर्म है, ये हमें जो अपनी बातों का अनुभव करने के लिए हम प्रस्तुत करते हैं, तो अलग अलग तरीकों से हम अपने अनुभवों को बताते हैं, तो इसमें अब वो ये जो जैसे रंजन जी ने छेड़ दिया प्रेम की बात, क्या करें, अब लाइन तो खत्म करनी पड़ेगी, और विजेश मैडम ने भी उंगली लगा दी, फिर बलबीर मैडम ने भी उंगली लगा दी, अब ये जो क्योंकि ये इतना बड़ा शब्द है कि इसको तो हमें समझना ही चाहिए, जीवन में हर कोई व्यक्ति प्यासा है इस चीज का, प्रेम का प्यासा है ना, खाना भी दो तो भी प्यास है उसकी, भाई कोई प्यार सी दे दे, बोलो तो भी कोई प्यार से बोल ले, है? नहीं तो अलग अलग थी, हिमालय पर्वत पर ऋषि बन लो, कद्दे जाकर बन लो, हिमालय पर्वत पर जाना आसान है, ऋषि बनना भी आसान है, कोई मुश्किल ना है, मुश्किल तो है अपने घर में रहकर प्रेम क्यों कर करें,
और जो माँ बेटे की बात है उसमें तो माँ बेटे का तो इसी जनरेशन हो रही है पिछले 1000 साल है, जिसमें त्रेता युग लेकर द्वापर युग भी न्यू हुआ। अगर तभी बालक हो गया तो छोरा हो गया तो ये छोरा है हमने सबके में देगा, तो प्यार नाम की तो कहीं ना माँ दोर चीज ना बाप दोर चीज, वहां पे तो सिर्फ अपना न्यू है कि भाई ये जो माँ है या पिता है वो हमारी एक अपनी सोच बन गया, माइंड सेट बन गया, समाज ने हमें बना दिया। जबकि जो रियल लव था, इसीलिए आपको याद होगा त्रेता युग में सीता मैया कहाँ गई थी लव कुश के लिए, वो आश्रम में गई थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं नेचर में अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ, मैं ऐसे घर में महल में नहीं पालना चाहती। उन्होंने अपने नेचर में पालने की इच्छा जाहिर की थी और उन्होंने वही पाले थे अपने बालक, वह न्यू पाले थे। अग भाई वहां पे वो अपने उन प्रकृति के साथ प्यार करना सीखेंगे, वो न्यू ना सीखें कि भाई सब के में मिल रहा है। तो ये चीज हमें भी अपने जीवन में, मतलब प्यार एक वो चीज है जो मेरा अनुभव है, जब हम किसी दूसरे को खुश होते हुए देखते हैं ना तो अपने आप ही प्यार उमड़ता है। अब उसको फ्री छोड़ दो, है ना, मतलब मैं तो हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि चिड़िया पानी पी के उड़े है ना ऊपर पेड़ पर बैठे हैं, मैं इतनी खुश होती हूँ, मुझे लगता है वो आजादी देखो कितनी अच्छी है। हम दूसरे को आजादी नहीं देते। पत्री सर का सबसे पहला वर्ड क्या आता है, नो इंटरफेरेंस। हम हर एक के आदमी की दखल अंदाजी रखते हैं, हर किसी के बीच में दखल अंदाजी करते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे दो भाई हो, चाहे दो बहन हो, और चाहे ऑफिस में हो। न्यू सच्चे पेरा ने वो दूसरे कमरे में क्या करने लग रहे हैं, अरे मारो गोली अब फकीर बन जाओ, और तो ये फकीरी में मजा है। और यही प्रेम है जो रंजन जी ने बताया कि हम अपने प्रेम को सही तरीके से समझें। ओके, तो हमारा टाइम हो गया है, थैंक यू सो मच ऑल मास्टर्स। हम बहुत अच्छा, बलबीर मैम सुपर हैं और सुपर रंजन सर कमाल कर दिया, और सरिता मैडम आज आपने सबकी प्रेज कर दी, मैं आपकी प्रेज कर दूं, इतना बढ़िया आप लग रहे हो हैं, अच्छा मतलब इतना ब्राइट कलर पर्पल कलर पैर रखा है तो बहुत बढ़िया है, सुपर लग रहे हैं सारे मास्टर्स। ओके बाय, सुबह मिलते हैं नाच साधना पे, बाय, धन्यवाद मैम।